मैंने आपके बोलने के बाद 90 डेज जीएसए चैलेंज स्टार्ट तो कर दिया, बट मेरे से ना क्वेश्चन ही नहीं होते, मतलब समझ ही नहीं आता इसमें लॉजिक कैसे बनाऊँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूँ, मतलब अप्रोच कैसे करूँ क्वेश्चन को, कुछ समझ ही नहीं आता। तो यार ये वाला डाउट ना बहुत ज़्यादा आता है, काफ़ी लोग कमेंट्स में बोलते रहते हैं, काफ़ी लोग डीएम में भी यही चीज़ बोलते रहते हैं कि भैया क्वेश्चन नहीं हो रहे, समझ ही नहीं आते क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन करूँ, क्या करना होता है। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी चीज़ के बारे में, ठीक है। हम पूरा एक साइकिल बताऊंगा तुम्हें कि कैसे एक क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, फिर कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, अगर नहीं होता तो क्या स्टेप्स होते हैं, होता है तो क्या स्टेप्स होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा यार एक और काफ़ी ज़्यादा डाउट आता है कि यार भैया मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ एक बार ही, बट 2 महीने बाद फिर उसे रिविजिट करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि यार ये क्वेश्चन किया तो था, इंटरव्यू में भी आ गया और ये मैंने पहले सॉल्व किया बट ये हो ही नहीं रहा। तो ये वाले जो तुम्हारे डाउट्स हैं इनको आज वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। हाय गाइस, मैं निशांत शर्मा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है, तुम्हारा एक लाइक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है एंड और अच्छी चीज़ें और अच्छे वीडियोस बनाने में हेल्प करता है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले वाले पार्ट का क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि जब तुम्हें किसी क्वेश्चन को देखते हो तो उसको अप्रोच कैसे करना होता है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक कोई नॉर्मल क्वेश्चन आया, अब तुम्हें क्या करना है, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। अब तुम बोलोगे भैया ये तो मतलब करना ही पड़ेगा, इसमें क्या बता रहे हो नई चीज़, तो सुनो पहले पूरी बात सुनो। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको ब्रेक डाउन करना है छोटे पीसेज में, जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, जैसे हम जेई के टाइम करते थे, हमें जो क्वेश्चन मिलता था हम उसको उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते थे उस क्वेश्चन में से एंड फिर उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने का ट्राई करते थे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी वही अप्रोच हमें करनी है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन में से इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि ये क्वेश्चन कौन से डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व होगा या फिर इस क्वेश्चन में क्या चीज़ यूज़ होने वाली है। तो अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही कि क्या यूज़ होने वाला है तो हम क्या करते हैं, सबसे बेसिक सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, वो हम अपना पेन पेपर पे लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमें एरे गिवन है, एरे में एक तुम्हें सब एरे का सम निकालना है जिसका सम इक्वल टू कुछ एक्स नंबर है, ठीक है। काफ़ी ईजी अप्रोच होगी कि यार सारी चीज़ें निकाल ली हमने, दुनिया भर के जितने सब एरे बन रहे हैं सारे निकाल लिए, सबका सम निकाल लिया और जिस जिसका सम उतना हो रहा है वहाँ हमने रिटर्न कर दिया। तो यहीं से शुरुआत होती है कि तुम्हें एक बेसिक सॉल्यूशन मिल गया, अब उस बेसिक सॉल्यूशन पर बिल्डअप करना स्टार्ट करना होता है। अब कई लोग यहाँ अटक जाते हैं कि यार ब्रूट फोर्स तो मैंने सोच लिया बट इसका ऑप्टिमाइजेशन समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारा सबसे बड़ा जो साथी है जो तुम्हें हेल्प करेगा, दैट इज़ अ हिंट। अब जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो चीज़ें सीख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो अप्रोच वहाँ पे यूज़ हो रही है वो तुम्हें पहले से आती हो। यार हिंट में तुम्हें यहाँ लिखा हो क्या पता, तुम्हें स्लाइडिंग विंडो यूज़ करनी है, तुम्हें पता ही नहीं यार स्लाइडिंग विंडो क्या होती है, स्लाइडिंग विंडो यूज़ कैसे करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि यार लोगों को पहले से ये सारी चीज़ें आती हैं, वो उन्हें पहले से पता है कि अच्छा ये ऐसे होता है, वो अप्लाई कर देते हैं, सब पढ़ते पढ़ते सीखते हैं, गलतियाँ करके सीखते हैं, राइट। तो तुम्हें समझ आया कि यार हिंट में कुछ चीज़ दे रखी है, इसको मेरे को अपने सॉल्यूशन में अप्लाई करना है बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे करना, तो पहले तुम वो चीज़ समझोगे कि स्लाइडिंग विंडो होता क्या है, ये स्लाइडिंग विंडो किस बीमारी का नाम है। अब तुमने स्लाइडिंग विंडो समझा, फिर तुमने ट्राई किया अपने जो तुमने पेन एंड पेपर पर सॉल्यूशन लिखा है उस पर अप्लाई करने का एंड तुमने वो कर दिया, भाई कर दिया तो फिर तो मज़े ही हो गए, मतलब ख़त्म, यहाँ तुम्हारा लूप रुक जाता है। बट तुमसे फाइन बाय चांस नहीं हुआ, ठीक है, तो तुमने और हिंट देखे, अगर शायद 2 हिंट हैं, जनरली 1-2 हिंट्स होती हैं, दूसरे हिंट देखे उसमें कुछ और हिंट दे रखा है कि यार तुम्हें ये चीज़ करनी है या कुछ और अप्लाई करना है, हिंट पढ़ के फिर से तुमने ट्राई किया एंड इस बार नहीं हुआ, फिर से चलो मान लेते हैं नहीं हुआ तुमसे, तो डीमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि तुम नई चीज़ें सीख रहे होते हो तो होता है तुम्हारा सॉल्यूशन ना आए, मतलब काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यार, एक कम्युनिटी सेक्शन होता है, अगर तुम लीड कोड पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे कम्युनिटी होती है जहाँ पे लोग अपने बेस्ट सॉल्यूशंस डाल रहे होते हैं, अप्रोचेस के डाल रहे होते हैं। अब उसमें तुम्हें क्या करना, मोस्ट वोटेड आंसर्स पे जाना है, कभी भी न्यूएस्ट पे नहीं जाना, हमेशा न्यूएस्ट ज़्यादा अच्छे नहीं होते, मोस्ट वोटेड पे जाना है, लोगों ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी होती है अपनी अप्रोच। अब तुमने उस अप्रोच को पढ़ना है, समझना है कि यार इसने क्या चीज़ करी है जो मैं मिस कर रहा था, अगर तुम्हें मिल गई तो मौज, मतलब फिर तुम उसको अप्लाई करो एंड अपना सॉल्यूशन सबमिट करने का ट्राई करो, हो जाता है तो तुम सीख गए, ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया बट तुम सीख गए ना, चल गया ना तुम्हारा। नहीं होता है फिर तुम ट्राई करते हो थोड़ा और, उसके बाद तुम्हें उसका सॉल्यूशन देख लेना एंड एक पेन एंड पेपर हमेशा अपने साथ रखो, एक नोटबुक रखो, उस नोटबुक में लिखो कि यार मैंने ये स्टेप मिस कर दिया था। अगर तुम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो तुम कभी भूल ही नहीं पाओगे यार कि ये वाली चीज़ में अटक गया था, अब कैसे करना है। तुम सिमिलर प्रॉब्लम तुम्हें किसी और सॉल्यूशन में या किसी और क्वेश्चन में आ रही होगी, तुम्हें ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगी यार मैंने वहाँ पर ये चीज़ करी थी, वहाँ पे मैं भूल गया था बट मैं अब ये चीज़ नहीं करूँगा फिर से गलत, ठीक है। तुम्हारे लिए काफ़ी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आई है, कोडिंग निंजा अपना एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है 19th और 20th दिसंबर को at 9 PM। और उसमें क्या सीन होगा कि जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यार जो भी लोग स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद एनरोल कर रहे होंगे किसी भी कोर्स में, उनको एक क्रिसमस गिफ्ट हैम्पर मिल रहा होगा,
उस क्रिसमस गिफ्ट हैम्पर में क्या होगा यार, तुम्हारा एसी और कोडिंग इंटरव्यूज करके एक गाइड बुक है कोडिंग निंजास की, उसकी जो एमआरपी 1500 है, वो तुम्हें फ्री घर पे डिलीवर हो रही होगी। ऑल्सो एक विंटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिल रहा होगा तुम लोगों को। अगर तुम कोडिंग निंजास के बारे में नहीं जानते हो तो कोडिंग निंजास इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। एंड यहाँ पे जो यार टीचर्स हैं वो IIT स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने अमेज़न फेसबुक जैसी कंपनीज में काम किया हुआ है। एंड यार यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बढ़िया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यार तुम्हें यहाँ पे 1-on-1 डाउट रेजोल्यूशन मिल जाती है, ठीक है, TA सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है, हिंट वीडियोज़ वगैरह मिल जाती हैं, तो मतलब काफ़ी सही चीज़ है। मैंने खुद अपना सेकंड ईयर में जो कोर्स किया था C++ डेटा स्ट्रक्चर्स वाला, वो यहीं से किया था। तो अरे दो डेट्स क्यों है, 19th और 20th दिसंबर। तो 19th को किसी वजह से या तो टेक्निकल इशू या तुम्हारा कुछ पर्सनल रीजन हो तुम 9 PM नहीं दे पा रहे हो टेस्ट, तो तुम अगले दिन सेम टाइम पे फिर से इस टेस्ट में अपीयर कर सकते हो। अब इस टेस्ट में क्या होने वाला है यार, 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चन होने वाले हैं कि तुम बोलोगे यार भैया मेरे को प्रोग्रामिंग तो आती ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा टेस्ट में, तो सीधे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होने वाले हैं, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं, एप्टीट्यूड की तुम प्रिपरेशन कर लेना। एंड यार रजिस्ट्रेशन फीस पे तुम्हें 50% ऑफ मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ माई कोड निशांत, ठीक है। बाकी यार काफ़ी सारी डिटेल्स तुम्हें नीचे वाले लिंक पे अगर तुम क्लिक करोगे वहां जाके मिल जाएंगी। अब आगे अपनी वीडियो में बढ़ते हैं, ठीक है। इसको एक बार फिर से शॉर्ट में समझते हैं कि क्या सिस्टम है। तुम्हें पहले एक प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में सॉल्व करना है, उसका सबसे बेसिक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन निकालना है। वो तुम निकाल लोगे क्योंकि तुम इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये चीज़ तो तुम कर ही लोगे, इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं है। अब तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन समझ नहीं आ रही है, तुमने एन स्क्वायर या एन क्यूब या फिर मतलब बहुत ही खतरनाक सा एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन निकाल लिया, उससे काम तो हो रहा है बट वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो फिर तुम क्या करोगे, हिंट देखोगे। हिंट से तुम्हें कुछ आइडिया मिलेगा कि अच्छा ये चीज़ भी यहाँ अप्लाई हो सकती है, बट तुम्हें आती नहीं है, तुम वो चीज़ सीखोगे यहाँ पे अप्लाई करने का ट्राई करोगे, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर से तुम अगली हिंट देखोगे, अगर अगली हिंट नहीं है तो कम्युनिटी सेक्शन पे जाओगे, अब तुम अप्रोच पढ़ोगे लोगों ने क्या अप्रोच लगाई है, तुम क्या चीज़ मिस कर रहे हो अपने सॉल्यूशन में, उसको अप्लाई करोगे, सबमिट करने का ट्राई करोगे, अगर हो गया तो मौज, अगर नहीं हुआ तो फिर से उसके सॉल्यूशंस पढ़ने का ट्राई करोगे, अच्छा ये इसको ऐसे इंप्लीमेंट करना था, अच्छा इसमें मैंने ये चीज़ मिक्स कर दी थी। एंड अपनी एक जो नोटबुक तुमने बना रखी होगी उसमें जाकर उस चीज़ को लिख लोगे और उसके बाद तुम फिर से नहीं भूलोगे इस चीज़ को, ठीक है। हमारी नेक्स्ट टिप ये है कि यार बी कॉन्फिडेंट। अब तुमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, तुम काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह दे रहे हो सकता है कि तुमसे एक टेस्ट तुम्हारा अच्छा ना जाए, हो सकता है कि एक क्वेश्चन अटक जाए, हो सकता है कि ये नहीं हो रहा हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। तो कभी भी उससे डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है, करते रहो, कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा तुम्हें हेल्प करने वाली है, एंड कॉन्फिडेंस अपना कभी भी लूज़ नहीं करना है। सो बी कॉन्फिडेंट, एंड बी कॉन्फिडेंट साथ साथ तुम जाके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो IIM OP, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो यार, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, तुम स्मार्ट हो, तुम मेहनत करोगे, तुम चीज़ें अचीव कर लोगे, उसकी कभी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। अब यार तुम्हें कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है, जैसे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेयर प्रोग्रामिंग, जैसे अगर तुम अकेले कर रहे होते हो ना तो उसमें दिक्कतें होती हैं, जैसे तुम्हें मोटिवेशन नहीं होती कई बारी, तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो पूछोगे किससे, ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना इसमें तुम अटक जाते हो। पेयर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम उसके साथ कर रहे हो कि अच्छा भाई मैंने आज ये वाली चीज़ कर ली, तूने ये वाली कर ली, हाँ तूने वाला क्वेश्चन ट्राई किया था, हाँ तूने किया था, तू इस वाले कॉन्टेस्ट में बैठा था, हाँ बैठा था, मेरी रैंक अच्छी आ गई, तो तुम्हें लगेगा यार मेरे को और मेहनत करनी चाहिए ताकि मेरी इससे बेटर रैंक आए। एंड एक हेल्दी कॉम्पिटिशन से तुम दोनों एक साथ ग्रो कर रहे होते हो। पेयर प्रोग्रामिंग में दो लोग होते हैं, ग्रुप में और ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा बड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा ग्रुप भी नहीं होना चाहिए, 4-5 लोगों का ग्रुप हो तो दैट इज़ मतलब। एंड एक यार तुमने कोर्स सुना होगा कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर विद, ठीक है, जिन 5 लोगों से तुम घिरे हुए होते हो उनका तुम एवरेज होते हो, तो अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे, बातचीत करोगे, तो तुम भी अच्छे बनते जाओगे, मतलब है ही कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, उनसे चीज़ें सीखो, उनसे चीज़ें समझो, एंड बढ़िया। एंड कई लोग यार बोलते हैं ना कि भैया मतलब मेरे कॉलेज में तो कोई है ही नहीं, किसके साथ मैं पेयर प्रोग्रामिंग करूँ, उसके लिए एक सॉल्यूशन काफ़ी जल्दी तुम्हारे लिए आने वाला है, तो उसकी तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि यार जब तुम किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर कोई क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, उसके बाद क्या करना है तुम्हें, अगर तुम्हारा हो भी जाता है उसके बाद भी तुम्हें सॉल्यूशन ज़रूर देखने हैं उसके, ठीक है, जो बेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं या फिर जो टॉपर्स के सॉल्यूशंस होते हैं अगर तुम कॉन्टेस्ट दे रहे हो तो वो ज़रूर पढ़ने हैं। उसे तुम कई बार ना नए कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हो, तुमने बाय चांस कोई क्वेश्चन है जो तुमने नॉर्मल DP से किया है बट उसमें बाइनरी सर्च लग के वो क्वेश्चन और ज़्यादा फास्ट हो सकता था या फिर कुछ और सेगमेंट्रीज लग के और ज़्यादा फास्ट, मतलब कुछ भी रैंडम बता रहा हूँ बट ऐसे हो कि वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता था एंड तुम्हें उस कॉन्सेप्ट का आइडिया ही नहीं है कि यार ये होता कैसे है, तो तुम वो सॉल्यूशन जब पढ़ोगे तुम नई चीज़ें सीखोगे एंड उनको सीखते रहोगे, ऐसे करके तुम खुद काफ़ी एकदम स्मार्ट बन जाओगे जल्दी, ठीक है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी एक प्रॉब्लम पे स्टक नहीं होना है तुम्हें। अब क्या होता है यार, हम ईगो पे ले लेते हैं चीज़ें कि मेरे से यार ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा, मतलब मैंने इतनी सारी पढ़ाई करी, मैंने एरेज के 500 क्वेश्चंस कर दिए, 501वां क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, और हमें दो दो तीन तीन दिन लगा देते हैं, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। एक अपना टाइम लिमिट सेट करो कि यार मैं इतना टाइम लगाऊंगा एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम,
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो टाइम तुम एक्सटेंड कर सकते हो, बट ऐसे 1.5-2 घंटे 3 घंटे तुम्हें लगे कि हाँ बस एक दिन से ज्यादा मैं एक प्रॉब्लम पे नहीं लगाऊंगा, तो अगले दिन उसके सॉल्यूशंस वगैरह देखना स्टार्ट कर दो एंड उससे तुम्हें सीखने को मिलेगा। बट अगर तुम एक ही प्रॉब्लम पे 3-3 दिन 4-4 दिन लगा दोगे तो यार मतलब काफ़ी डिफिकल्टी होगी। तुम ईगो पे नहीं लेनी है तुम्हें चीज़ें, अगर तुम्हें लगता है कि यार ये तो मेरे से नहीं हो रहा है तो बस जाके उसको सीख लो एंड अगली बारी तुमसे वो चीज़ हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। IMOP जाके तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना एंड ऐसे ही तुम्हारे लिए और काफ़ी सारी वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।